पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल मुजाहद अनवर खान का ऑपरेशनल एयर बेस का दौरा। चीफ एयर चीफ ने पाकिस्तान में बने JF-17B डुअल सेट तैयारे में ऑपरेशनल ट्रेनिंग मिशन में हिस्सा लिया है। तर्जमान पाक फजाइया के मुताबिक एयर चीफ F-16 उड़ाने का भरपूर तजर्बा रखते हैं और अपने नाज़रीन को ख़बर दे रहे हैं, जहां पाक फजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल मुजाहद अनवर खान का ऑपरेशनल एयर बेस का दौरा। एयर चीफ ने पाकिस्तान में बने JF-17B डुअल सेट तैयारे में ऑपरेशनल ट्रेनिंग मिशन में भी हिस्सा लिया है और तर्जमान पाक फजाइया के मुताबिक एयर चीफ F-16 उड़ाने का भरपूर तजर्बा भी रखते हैं और अपने नाज़रीन को ख़बर दे रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सलमान अली अवान, इसी हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने आज बड़ी एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशनल एयर बेस का दौरा किया है पाक फजाइया की, जहां उन्होंने पाकिस्तान में तैयार किए, जो सबसे खास बात है आज की इस खबर की, ये है कि पाकिस्तान में तैयार किए गए JF-17B ड्यूल सीट तैयारे में उन्होंने ऑपरेशनल ट्रेनिंग मिशन में हिस्सा लिया। JF-17 Thunder B वर्जन का ये ड्यूल सीट तैयारा था और उसमें उन्होंने ट्रेनिंग मिशन में हिस्सा लिया। एयर चीफ जो है, जैसे कि आपने भी मेंशन किया, कि F-16 उड़ाने का बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं और उन्होंने आज पाकिस्तान में बने JF-17 Thunder ड्यूल सीट तैयारे की ऑपरेशनल सलाहियतों का जायजा लिया और उसके अलावा उन्होंने जो ग्राउंड और एयर क्रू था उसके साथ बातचीत भी की। एयर चीफ ने उनका ये कहना था कि उनकी जो पेशा वराना सलाहियतें हैं पाक फजाइया की और पाक फजाइया के हर अहलकार का जो जज्बा है उसको वो सलाम पेश करते हैं। इसके साथ ही एयर चीफ ने कहा कि पाक फजाइया में JF-17 ड्यूल सीट शामिल हो रहे हैं और Block 3 भी पाक फजाइया का हिस्सा बन रहा है, बनने जा रहा है और उससे पाक फजाइया को अप टू डेट रखने में, मॉडर्न रखने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। इसके साथ ही उनका ये कहना था कि पाक फजाइया का एक एक अहलकार जो है माजी की शानदार रिवायतों का अमीन है, जिसका इजहार गुज़िश्ता साल ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में भी पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से किया गया था, जब अपने से कहीं गुना बड़ी इंडियन एयरफोर्स के छक्के छुड़ाए गए थे कश्मीर के अंदर। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से राफेल का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन डेफिनेटली इशारा उसी जानिब से एयर चीफ का ये कहना था कि जिस तरह से दुश्मन फिदाइया जो है असलहे के जखायर जो है इकट्ठा करने जा रही है और अब हम जानते हैं कि फ्रांस के बाद रशिया से भी तैयारी खरीदने की तैयारी हो रही है भारत के अंदर, उसी हवाले से उसी पस मंजर में एयर चीफ ने यह भी कहा कि पाक फजाइया जो है इस किस्म के असलहे के अंबारों से मरूब नहीं होगी, लेकिन इसके साथ साथ हम भी अपनी एयरफोर्स को जदीद बनाने में, मॉडर्न बनाने में कोई कसर जो है नहीं उठा रखेंगे। उसके साथ ही उन्होंने JF-17 Thunder Block 3 की बात की, JF-17B ड्यूल सीट तैयारी की बात की। उनका कहना था कि दोनों तैयारे जो है पाकिस्तान एयरफोर्स को मॉडर्न रखने में, अप टू डेट रखने में और दुश्मन के हम पल्ला रखने में बहुत ज्यादा मदद देंगे। इसके साथ ही उन्होंने वाजे किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स पाकिस्तान नेवी के साथ, पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर दुश्मन की जो है दांत खट्टे करने के लिए हम वक्त तैयार है और मादरे वतन की खुद मुख्तारी पर।